नमस्कार, मैं हूं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की खबरें। नवरात्रि पर्व के दौरान अष्टमी और नवमी तिथियों के पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से शुरू होगी, जबकि नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से प्रारंभ होगी। महानवमी का पूजन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक होगा, जिसके बाद दशहरा पूजन शुरू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार दशहरा 12 अक्टूबर को सुबह 11 के बाद मनाया जाएगा। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। वहीं अंतिम दर्शन के लिए बालाजी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के MD विजय कलंत्री, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास सहित कई दिग्गज मुंबई के NCPA पहुंचे, जहां आम लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस में 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। उन्होंने यात्रा को आसियान देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का अवसर बताया। मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक की उपलब्धियों की समीक्षा और द्विपक्षीय बैठकों का भी उल्लेख किया, जिससे भारत की सामरिक साझेदारी मजबूत होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 11 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। योग्य उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 28 वर्ष है और आवेदन शुल्क ₹700 है। ऑनलाइन परीक्षा 17 नवंबर 2024 को 4 प्रमुख शहरों चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में होगी। चयनित उम्मीदवारों को सालाना ₹8,00,000 तक का वेतन मिलेगा। जो रूट ने मुल्तान टेस्ट में 72 रन बनाकर एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 35वां टेस्ट शतक और 6ठा दोहरा शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर किया। रूट ने 305 गेंदों पर 200 रन बनाए, लेकिन बाबर आजम द्वारा छोड़े गए कैच के बाद पाकिस्तान को कोई और मौका नहीं दिया। अब रूट ने 6 दोहरे शतक लगाकर कई दिग्गजों के साथ बराबरी की है, जबकि विराट कोहली से एक कदम पीछे हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे देश भर में शोक की लहर है। उन्होंने 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पीछे छोड़ी। उनकी विरासत माया टाटा संभाल सकती हैं, जिन्हें रतन टाटा ने तैयार किया था। माया रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की बहन आलू मिस्त्री की बेटी हैं। टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $300 बिलियन है। गौतम अडानी की संपत्ति पिछले 5 वर्षों में 865% बढ़कर $84 बिलियन की हो गई है, जिससे वह भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति बन गए हैं। वहीं मुकेश अंबानी $116 बिलियन के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि शिव नाडर $36.8 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अडानी और अंबानी की संपत्ति में क्रमशः $75 और $66 बिलियन का उछाल देखा गया। कंगना रनौत ने डोनाल्ड ट्रंप के एक पॉडकास्ट को साझा किया, जिसमें ट्रंप ने पीएम मोदी को सबसे अच्छा इंसान और टोटल किलर कहा। उन्होंने मोदी की आक्रामकता की प्रशंसा की, विशेषकर पाकिस्तान के खिलाफ। ट्रंप ने भारत में अस्थिरता का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी के आने से स्थिर में सुधार हुआ, और ट्रंप ने 2019 के हाउडी मोदी कार्यक्रम की भी तारीफ की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। कांग्रेस नेताओं ने मतगणना प्रक्रिया पर संदेह जताया और शिकायतें दर्ज की है। पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने 20 निर्वाचन क्षेत्रों में अनियमितताओं के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की है। बीजेपी ने चुनाव में 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। बीते दिन देर शाम रतन टाटा का निधन हुआ, जिसके बाद उनके योगदान की सराहना के लिए यह कदम उठाया गया। शिवसेना नेता राहुल खनाल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि रतन टाटा के मानवीय कार्यों को देखते हुए उन्हें यह सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। चक्रवाती तूफान मिल्टन ने फ्लोरिडा में दस्तक दी है, जिससे 120 मील प्रति घंटे की हवाएं चल रही हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोग अंधेरे में हैं और 15 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं। गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने 51 काउंटियों में आपातकाल की घोषणा की। ईंधन की कमी भी हो रही है, क्योंकि पेट्रोल स्टेशनों में लगभग 25% ईंधन खत्म हो गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे सदी का सबसे बड़ा तूफान बताया है।
शारदीय नवरात्रि के पूजन के दौरान कन्या पूजन या कंजक का विशेष महत्व है, जो 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी नवमी के दिन मनाया जाएगा। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी मानकर उनका पूजन किया जाता है। कन्याओं को उपहार देने में विशेष ध्यान रखें, स्टील, प्लास्टिक, कांच या काले वस्त्र ना दें। पूजा से पहले उनके पैर धोएं और उन्हें उचित भोजन दें। विदाई के समय उनका पैर छूकर ही विदा करें। विदाई के बाद घर में कुछ देर तक झाड़ू ना लगाएं। इस साल अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन ऐतिहासिक रूप से भव्य होगा, जिसमें 25 लाख दीयों के जलने का लक्ष्य है। यह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का पहला दीपोत्सव है। 30 अक्टूबर को 55 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे, जिसमें लगभग 90,000 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल होगा। इस आयोजन में 30,000 वॉलेंटियर्स सक्रिय भूमिका निभाएंगे और 4 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। योगी सरकार इस उत्सव को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है। नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 24 से 26 अक्टूबर तक नवा रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होगा, जिसमें 20 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पर्यटन और ग्रीनरी को बढ़ावा देना है। चैंपियनशिप में पहले पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। 24 अक्टूबर को कैडी टूर्नामेंट से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में गाँव के उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। लंगकावी आइलैंड मलेशिया भारत से 4 घंटे की दूरी पर है और यह भारतीय यात्रियों के लिए सस्ता और खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ खरीदारी पर टैक्स नहीं लगता और यह वीज़ा फ्री है। पर्यटक यहाँ सनसेट क्रूज, ड्राइव, पूल पार्टी और शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। हर्षद मेहता के बाद केतन पारेख, जिन्होंने शेयर बाजार में बड़े घोटाले के 1997 के एक मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। सेबी की विशेष अदालत ने पारेख की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जुर्माना न भरने पर मामला बंद करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि पारेख ने जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया है और उनका यह दावा अनुचित है। करवा चौथ पर अपनी पत्नी के लिए उपहार चुनते समय रिस्ट वॉच, मेकअप किट, स्टाइलिश हैंडबैग, फुटवेयर और ब्यूटी पार्लर गिफ्ट हैम्पर अच्छे विकल्प हो सकते हैं। रिस्ट वॉच से लेकर स्पोर्ट्स वॉच, मेकअप किट से लेकर हैंडबैग और फुटवेयर तक हर चीज़ उनके पसंद और ज़रूरत के अनुसार चुनी जा सकती है। ब्यूटी पार्लर का गिफ्ट हैम्पर उनकी खूबसूरती और आराम दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट में भारतीय खान पान की आदतों को G20 देशों में सबसे टिकाऊ बताया गया है। रिपोर्ट का कहना है कि अगर सभी देश भारत की खाने की शैली अपनाएं तो 2050 तक पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होगा। भारत का बाजरा मिशन इस दिशा में विशेष रूप से सराहा गया है। इसके विपरीत अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की खान पान शैली को सबसे खराब बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार टिकाऊ आहार अपनाने से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2020 के बीच वन्य जीवों की आबादी में 73% की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन है। भारत में गिद्धों की 3 प्रजातियों में भारी कमी आई है, जबकि बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को भी उजागर किया गया है, जैसे कि चेन्नई में आर्द्र भूमियों में कमी, अगले 5 वर्षों में जलवायु और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी परमाणु सबमरीन और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की सहमति दी है। यह डील लगभग 45,000 करोड़ में फाइनल हुई। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए विदेशी कंपनियों को भारत में रक्षा उपकरण तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें दशहरे के बाद घोषित की जाएंगी। भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा और झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। भाजपा को संथाल परगना और कोल्हान में चुनौती मिलेगी, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी हुई है। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने बिग बॉस 18 में उपस्थिति पर अपने अनुयायियों से माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने पहले इस शो की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि वह केवल अतिथि के रूप में गए थे और भगवद गीता का प्रचार किया। उन्होंने अपने कार्य के लिए क्षमा मांगी, यदि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो। उत्तराखंड के वैज्ञानिक डॉक्टर तरुण बेलवाल को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खाद्य विज्ञान में विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में 498वीं रैंक मिली है। उनका शोध प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है। वह वर्तमान में न्यूजर्सी में रिसर्च डायरेक्ट के रूप में कार्यरत हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच में रियान पराग द्वारा फेंकी गई एक अनोखी गेंद को अंपायर्स ने नो बॉल करार दिया। रियान ने लसित मलिंगा के एक्शन से गेंद फेंकी, लेकिन उनके पैर क्रीज के साइड लाइन से बाहर चले गए थे। इस नियम के अनुसार ऐसा करना नो बॉल है।
बांग्लादेश के महान क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने नागरिक अशांति के दौरान अपनी खामोशी के लिए माफ़ी मांगी है। वह 21 अक्टूबर को मीरपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने विदाई टेस्ट के लिए तैयार हैं। शाकिब 21 अक्टूबर से मीरपुर में शुरू हो रहे पहले टेस्ट के बाद ही इस फॉर्मेट से विदा लेना चाहते हैं। चटगांव में दूसरा टेस्ट भी होगा, लेकिन माना जा रहा है कि वह पहला मैच खेलकर अमेरिका चले जाएंगे। ओके टाटा शब्द ट्रकों पर टाटा ग्रुप की पहचान दर्शाते हैं। ये शब्द बताते हैं कि ट्रक की टेस्टिंग टाटा मानकों के तहत हुई है। टाटा मोटर्स जो 1954 में स्थापित हुई भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की अग्रणी कंपनी है। रतन टाटा की नेतृत्व में टाटा ने कई सफल वाहन लॉन्च किए जो आज भी लोकप्रिय हैं। जनगणना की प्रक्रिया जनवरी 2025 के बाद शुरू हो सकती है। इस बार जाति की गिनती पर बहस जारी है। जनगणना से परिसीमा लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव, महिला आरक्षण का लागू होना और आबादी के हिस्सेदारी की मांग तेज होने की संभावना है। यह सभी बदलाव देश की सियासत को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ने लीव ट्रेनिंग रिजर्व टीचर LTRT पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें 6025 पद शामिल हैं। इसमें विभिन्न विषयों के लिए रिक्तियां हैं, जैसे TGT आर्ट्स, विज्ञान, हिंदी और शारीरिक शिक्षा। आवेदकों की आयु 21 से 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार OSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पीयूष सिंह, मुकुंद कुमार, नौशाद रजा, अखिलेश सिंह, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, छोटू राज, राम बाबूदास और रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि रतन टाटा की कौन सी खूबियाँ आपको अच्छी लगती थी। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।